Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Students, today is 14th April and the day is Wednesday and this is our circle time. प्यारे बच्चों, आपको पता है कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया है? आज से रमज़ान करीम का मंथ स्टार्ट हो गया है. आपको पता है रमज़ान करीम में क्या होता है? रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है. और आपको पता है जो हमारी हॉली बुक कुरान करीम है वो किस मंथ में नाजिल हुई थी? कुरान करीम रमज़ान के महीने में नाजिल हुई थी. और प्यारे बच्चों, रमज़ान में पता है ना 30 डेज़ होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट 10 डेज़ होते हैं उसको हम अशरा बोलते हैं और वो होता है अशरा रहमत. इसमें पहले 10 डेज़ में अशरा रहमत में अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है हम पर. और जो नेक्स्ट 10 डेज़ होते हैं वो होते हैं अशरा मगफिरत. अशरा मगफिरत में हम लोगों ने क्या करना होता है? हमने जितनी भी गलतियाँ की होती हैं, हमने जितने भी गुनाह किए होते हैं, उनकी हमने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी होती है. और एंड वाले जो 10 डेज़ होते हैं वो होता है अशरा निजात. इसमें क्या होता है? इसमें अल्लाह ताला हमें जो है वो हमारे गुनाहों की माफ़ी दे देते हैं. हमने जितने भी गुनाह किए होते हैं उनकी हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं और उनसे हमें निजात मिलती है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस मंथ में आपने झूठ नहीं बोलना, आपने मामा पापा को तंग नहीं करना, आपने फ़ाइट नहीं करनी और आपने हमेशा सच बोलना है. ओके बच्चों, और आपने रमज़ान करीम के ये 3 अशरों के नेम याद करने हैं. मेरे साथ दोहराएं, अशरा रहमत, अशरा मगफिरत, अशरा निजात. अशरा रहमत, अशरा मगफिरत, अशरा निजात. ओके बच्चों, आपने इन अशरा के नाम याद करने हैं.